मध्य प्रदेश के 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए आज यानी 3 नवंबर को मतदान हो रहे हैं। 28 विधानसभा क्षेत्रों के लिए वैसे तो कुल 355 प्रत्याशी मैदान में हैं, इनमें 12 मंत्री शामिल हैं। ज्यादातर सीटों पर भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है, लेकिन चंबल और ग्वालियर क्षेत्रों के कुछ विधानसभा क्षेत्रों में बसपा ने मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। सभी 28 विधानसभा क्षेत्रों के लिए सुबह 7 बजे से मतदान शुरू होगा, जो शाम 6 बजे तक चलेगा। सभी क्षेत्रों के नतीजे 10 नवंबर को आएंगे। उपचुनाव के लिए करीब 1 महीने तक चले प्रचार अभियान में आम आदमी से जुड़े मुद्दे गायब रहे, तो वहीं शब्दों की मर्यादा खूब टूटी। कमलनाथ द्वारा डबरा से भाजपा प्रत्याशी इमरती देवी को आइटम बुलाने पर खूब हंगामा हुआ। इसके चलते निर्वाचन आयोग ने उन्हें कांग्रेस के स्टार प्रचारक की सूची से भी हटा दिया। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्थगन दे दिया। उपचुनाव के दौरान कमलनाथ के द्वारा मुख्यमंत्री को नारायण कहा गया, तो भाजपा ने उसे भी मुद्दा बना दिया। उधर बीजेपी भी आरोप लगाने में पीछे नहीं रही। मुख्यमंत्री समेत भाजपा के तमाम नेताओं ने कमलनाथ को कमरनाथ सेठ जैसे संबोधनों से पुकारा, तो दमिनी के भाजपा प्रत्याशी गिरिराज डंडोतिया ने इमरती देवी को आइटम कहने पर कहा कि अगर उन्होंने यहां ऐसा किया होता तो उनकी लाश जाती। राज्य में विधानसभा क्षेत्रों के लिए उपचुनाव हो रहे हैं, इनमें 25 क्षेत्र ऐसे हैं जो ज्योतिराज सिंधिया के साथ और बाद में कांग्रेसी विधायकों द्वारा दल बदलकर भाजपा में जाने से रिक्त हुए हैं। वहीं 3 जगह विधायकों की मृत्यु के कारण खाली हुई है। 28 विधानसभा क्षेत्रों में से 16 विधानसभा क्षेत्र ग्वालियर चंबल संभाग में है, जहां ज्योतिराज सिंधिया की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। इसलिए उन्होंने प्रचार अभियान के दौरान अपनी पूरी ताकत ग्वालियर चंबल संभाग में झोंक रखी थी। भाजपा की ओर से चुनाव अभियान की कमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के हाथ में रही। वहीं केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने प्रचार अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कांग्रेस में चुनाव अभियान का सारा दारोमदार पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के हाथों में रहा, तो दिग्विजय सिंह, सुरेश पचौरी, सचिन पायलट चुनाव अभियान में हिस्सेदारी निभाई। बता दें कि ये उपचुनाव आने वाले दिनों में ये तय करेगा कि मध्य प्रदेश में शिवराज का राज बना रहेगा या कमलनाथ को मध्य प्रदेश की कुर्सी मिलेगी। इसका भी फैसला चुनाव के नतीजों से साफ हो जाएगा। बता दें कि इन सीटों पर हो रहे हैं चुनाव: जौरा, सुमावली, मुंगावली, बदनावर, सुवासरा, सुरखी, मांधाता, पोहरी, दीमनी, गोहद, ग्वालियर, करैरा, बमोरी, भांडेर, अशोक, अनूपपुर, सांची, हाट पिपलिया, नेपानगर, सांवेर, ग्वालियर पूर्व, मेहगांव, बड़ा मलहरा, ब्यावरा और मुरैना में ये उपचुनाव हो रहे हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप अपने सवाल और सुझाव हमें कमेंट्स करके बताइए। बाकी देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।